हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको माइक्रम के कॉर्ड से माइक्रम का स्ट्रॉबेरी बैग कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें चाहिए माइक्रम का कॉर्ड। यहाँ पे दो कलर का मैंने कॉर्ड लिया है। रेड कलर का हमें दो बंडल कॉर्ड चाहिए, और ये हमारा जो कॉर्नसिल्क कलर का कॉर्ड है ये हमें एक बंडल चाहिए। और यहाँ पे देखिए, नीडल और थ्रेड चाहिए। और देखिए, इसमें इनर के लिए इस तरह से जीप और रनर वगैरह चाहिए। लाइटर चाहिए, सीजर चाहिए। और यहाँ पे देखिए, इनर के लिए मैंने कपड़ा लिया है। ये व्हाइट कलर में है, लेकिन ये काफी इसमें शाइनिंग है कपड़े में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते इसको बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बैग के लिए स्टार्टिंग का नॉट बनाना है। तो इस तरह से देखिए, हमें दो कॉर्ड लेना है। और यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड 1 मीटर का कट किया है। एक कॉर्ड मेरा 1 मीटर का है, 1 पीस 1 मीटर का। और ये देखिए, इसमें टोटल हमने 48 कॉर्ड कट किया है 1 मीटर का। ये देखिए, इस तरह से वन कॉर्ड, यहाँ पे 1 मीटर के कॉर्ड को हमें इस तरह से डबल कर लेना है। ये देखिए, डबल कर लिया। ऐसे हमें दो कॉर्ड लेना है, और यहाँ पे इन दोनों कॉर्ड को डबल करने के बाद इनका ये जो सेंटर है, इसे देखिए, इसको और इस दूसरे वाले कॉर्ड को एक देखिए, इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। ये देखिए, क्रॉस में रख लिया। फिर इस कॉर्ड को इस तरह से देखिए मोड़ के आगे की तरफ कर लेना है, और इस कॉर्ड को इस पे रख के हमें यहाँ पे सिंपल नॉट तैयार करना है, स्क्वायर नॉट। तो ये देखिए, ये बैग का स्टार्टिंग नॉट इस तरह से बना दिया। इसी तरह से एक और बनाएंगे पहले। ये देखिए, फिर से 1 मीटर के कॉर्ड को ले लिया, फिर दूसरा ले लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे दोनों को इस तरह से फिर क्रॉस में रख के, और ये देखिए, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। उसके बाद अब इस तरह से हमने दो इस तरह से नॉट तैयार कर लिया है। तो अब इन दोनों को हमें जोड़ना है एक दूसरे के साथ। तो दो कॉर्ड हम इसमें से लेंगे और दो इसमें से, और यहाँ पे भी हम सिंपल नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लगा लिया। हमें सभी कॉर्ड को ज्वाइंट करना है, नॉट लगा लगा के, और ज्वाइंट करते जाएंगे। देखिए, ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे ज्वाइंट करके ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी कॉर्ड को इस तरह से नॉट लगा के ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पे टोटल 48 कॉर्ड मैंने लगाया है। तो 48 कॉर्ड को इस तरह से नॉट लगाने के बाद, देखिए 48 कॉर्ड में हमें इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पे टोटल इस तरह से जो इस तरह से नॉट बन के आया है, यहाँ पे टोटल 24 इस तरह से नॉट बन के आ जाएगा। देखिए, 24 नॉट आया यहाँ पे। और उसके बाद अब देखिए, इसको हम यहाँ पे लास्ट में इसे यहाँ पे पैक कर लेना है। देखिए, जैसे इस यहाँ पे हमने नॉट लगा के पैक किए हैं, वैसे इसको भी हमें पैक कर लेना है। देखिए, इस तरह से यहाँ पे पूरे से इस तरह से ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे हम पहले एक राउंड फिर से हम सिंपल नॉट लगा लेंगे। 4-4 कॉर्ड को लेके एक राउंड सिंपल नॉट पहले तैयार कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा राउंड मैंने देखिए सिंपल नॉट लगा के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से स्क्वायर नॉट लगा के ले लिया है। उसके बाद अब यहाँ से देखिए इस तरह से फोर कॉर्ड लेना है और सिंपल नॉट फिर से लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से तीन नॉट लगा लिया सिंपल। उसके बाद और फिर से यहाँ पे कॉर्ड लेके फिर सिंपल नॉट लगाएंगे तो यहाँ पे इस लाइन में दो नॉट बन के आएगा। एक यहाँ पे लगाएंगे नॉट, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में एक नॉट आएगा। ये देखिए यहाँ पे बना के इतना कंप्लीट कर लिया। अब फिर से यहाँ पे यहां तक हम फिर से तीन नॉट लगा के लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से इस वाले लाइन में तीन नॉट लगा लिया। उसके बाद अब फिर से दो नॉट फिर एक नॉट इस तरह से लगाते जाना है। देखिए इस तरह से लगा लिया। फिर से ऐसे ही हमें थ्री नॉट लगाना है, फिर टू नॉट लगाना है, फिर लास्ट में एक नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना मैंने बना के कंप्लीट किया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से फोर फोर नॉट लेके और मैंने यहाँ पे ये जो इस तरह से ये ट्रायंगल बनाया है फोर कॉर्ड नॉट लेके और उसमें फिर देखिए फोर, फिर यहाँ पे फोर आया, फिर थ्री, फिर टू, वन, इस तरह से करके यहाँ पे ये डिजाइन बनके आ गया है। तो यहाँ पे टोटल ये सिक्स, इस तरह से ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है ये पूरा टोटल सिक्स यहाँ पे आया है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से सिक्स बना है यहाँ पे, इस तरह से पूरा टोटल सिक्स आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों तरफ से हमें एक एक कॉर्ड लेना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से क्रॉस में फंसाना है। क्रॉस में फंसाने के बाद अब इसमें से देखिए हाफ कॉर्ड, ये देखिए यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन कॉर्ड को हमें इस वाले कॉर्ड पे रैप करना है। इसे लेके यहाँ पे एट कॉर्ड हो जाएंगे टोटल। तो इस पे हमें इस तरह से डबल डबल टाइम रैप करते जाना है। अब देखिए एक तरफ हमने इस तरह से कॉर्ड को रैप कर लिया और यहां से दूसरा वाला जो कॉर्ड हमने यहाँ पे एक दूसरे के साथ फंसाया था अब उसे ले लेंगे और इस तरफ की देखिए हाफ कॉर्ड को इस तरह से डिवाइड कर लेना है और अब यहाँ के कॉर्ड को इस पे रैप करेंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह से एक एक कॉर्ड फिर से लेना है यहाँ पे और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और फिर से कॉर्ड को इस पे रैप करते जाना है। ऐसे ही हमें इसको लगाते जाना है कॉर्ड को।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इस तरह से ये जो इसमें से ये जो पत्ती है बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद लास्ट में इस तरह से दो कॉर्ड आ जाएगा, तो इन्हें हमें इस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पे लगा लेना है। इसके बाद यहाँ से देखिए एक कॉर्ड लेंगे, स्टार्टिंग का कॉर्ड लेना है, इसी में से जो हमने स्टार्टिंग में कॉर्ड को रैप किया है देखिए उसको ही लेना है। और यहाँ के फिर से कॉर्ड को हमें हाफ कॉर्ड को डबल टाइम इस पे रैप करते जाएंगे। अब देखिए इस साइड आ जाएंगे, फिर से अब इसमें से एक कॉर्ड उठा लेंगे स्टार्टिंग का और फिर से यहां तक रैप करेंगे। पे मैंने आपको एक पत्ती बना के दिखा दिया मैंने, उसके बाद अब ऐसे ही हमें कंटिन्यू करते जाना है। फिर से यहाँ से ये देखिए, फिर से इस तरह से कॉर्ड लेके और यहाँ पे एक दूसरे के साथ पहले इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे टाइटली। उसके बाद अब यहाँ से जो इतने बचे हुए कॉर्ड है इस पे हम रैप करते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल सिक्स पत्तियां बनाने के बाद अब हमें इस तरह का यहाँ पे देखिए नॉट लगाएंगे। ये डिजाइन हमें यहाँ पे बनाना है, तो इसके लिए ये देखिए इतने हिस्से में हमें पहले कॉर्ड फंसाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेड कॉर्ड लिया है, 2 मीटर का कॉर्ड मैंने कट किया है, 1 पीस 2 मीटर का है। और ये देखिए यहाँ पे हमें कैसे फंसाना है, तो ये देखिए इस तरह से हमें 2 कॉर्ड लेना है और 2 मीटर के कॉर्ड को देखिए इस तरह से हमें डबल करके लेना है और इसका सेंटर पकड़ लेंगे। ये देखिए इस पे इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है। और अब इसे ही हमें ये जो ये दो धागो देखिए धागों के बीच का गैप इस तरह से करके और इसमें हम फंसा लेंगे। ये देखिए रेड कलर की जो कॉर्ड है, फिर से हमें इस तरह से 2 कॉर्ड लेना है और इस तरह से देखिए ऐसे रखना है। इस तरह से रखना है और इसे हम पीछे की तरफ ले लेंगे और इन 2 कॉर्डों के बीच में इस तरह से जो गैप है इसमें से निकालेंगे। ये देखिए तो ये कॉर्ड यहाँ पे इस तरह से फिट हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कॉर्ड फंसाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी हमें इसी तरह से कॉर्ड फंसाना है। देखिए एक तरफ इस तरह से 4 कॉर्ड लगाना है, 2 2 मीटर का, एक तरफ हमारा इस तरह से 4 कॉर्ड आ जाएगा, यानी इतने ब्लॉक में 8 कॉर्ड लगेगा 2 2 मीटर का।
फिर से देखिए इस तरह से कॉर्ड ले लिया और यहाँ पे देखिए ऐसे रखना है। अब इन दोनों कॉर्ड को इन दो कॉर्ड के बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे पीछे की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इतने ब्लॉक में मैंने 8 कॉर्ड फंसाया है 2 मीटर का। अब इस तरह से देखिए बैक साइड में हमें लेना है इस तरह से और ये देखिए यहाँ से एक कॉर्ड उठा लेंगे ये देखिए लास्ट वाले में से इस तरह से और इस पे हमें कॉर्ड को इस तरह से रैप करना है। देखिए यहां तक रैप कर लिया उसके बाद अब फिर से इस साइड का करेंगे। इसमें से एक कॉर्ड उठा लेंगे एक्स्ट्रा कॉर्ड है इन्हें हमें कट कर लेना है सीजर से। अब इसे हमें स्टिक कर लेना है बैक साइड में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सभी कॉर्ड को इस तरह से बैक साइड में चिपकाने के बाद अब यहां से हमें दोनों तरफ से दो दो कॉर्ड लेना है। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाएंगे 4 टाइम स्क्वायर नॉट लगाना है। अब ये वाली डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से 4 नॉट लगा लिया उसके बाद अब बीच के हमें 2 कॉर्ड लेना है इसे और ये देखिए इसे उठा के हमें यहाँ पे जो गैप है इसमें डाल देंगे इस तरह से और आगे की तरफ खींचना है। ये देखिए इस तरह से और एक नॉट लगा के इसे पैक कर लेंगे। ये देखिए उसके बाद फिर से अब यहां से देखिए फिर से यहां से हम 2 कॉर्ड ले लेंगे और इसमें से 2 कॉर्ड लेके फिर से 4 नॉट लगाना है। अब देखिए फिर से 4 नॉट लगा लिया बीच का 2 कॉर्ड लेना है और इसे हमें इस तरह से उठाते हुए यहाँ पे ये देखिए ये जो गैप है इसमें फिर से इन दोनों कॉर्ड को इस तरह से डाल देंगे और फिर से इसे आगे की तरफ खींचना है। ये देखिए इस तरह से अब फिर से यहाँ पे 1 नॉट लगाना है स्क्वायर नॉट और इसे पैक कर लेंगे। वैसे यहाँ पे देखिए 2 कॉर्ड इसमें से ले लिया और 2 कॉर्ड साइड से ले लिया। अब इन्हें लेके फिर से हमें 4 नॉट लगाना है। यहाँ पे फिर से 4 नॉट लगा लिया अब फिर से 2 कॉर्ड लेके बीच के और यहाँ फिर से यहाँ पे डाल देंगे।
एक नॉट लगाएंगे। अब इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह से अब हमें देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे जैसे मैंने आपको कॉर्ड फंसाना बताया है वैसे इन यहाँ पे दो दो कॉर्ड लेके और इसमें रेड कॉर्ड फंसाएंगे और उसके बाद बैक साइड से पाइपिंग करके इसे स्टिक करके फिर से ये जो हमने यहाँ पे नॉट बनाया है इसे फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो इस तरह से दो बना लिया है। उसके बाद आगे ये जितने भी है इसमें भी हमें सेम इसी तरह से कॉर्ड को फंसा के और उसे बैक साइड में इस वाले कॉर्ड को स्टिक करके और ये डिजाइन बना के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा सिक्स ब्लॉक इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 ये देखिए इस तरह से ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके ले लिया है। अब उसके बाद देखिए यहां से हमें अब राउंड में हम इस तरह से नॉट लगाते जाएंगे। तो यहां से फिर से हमें देखिए फोर कॉर्ड लेना है और इसमें हमें फिर से फोर कॉर्ड लेके फोर सिंपल नॉट लगाएंगे पहले और फिर से इस तरह का नॉट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से फोर नॉट लगा लिया। मैंने पहले भी बताया आपको ये नॉट लगाने के लिए बीच के दो कॉर्ड लेना है और यहाँ ऊपर जो इस तरह से गैप आएगा उसमें इस तरह से हमें डाल के और आगे की तरफ खींचेंगे तो ये नॉट इस तरह से गोलाई में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पे सिंपल नॉट लगा के इसे यहाँ पे पैक कर लेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉक पूरा करने के बाद नीचे की तरफ मैंने 2 टाइम्स ये नॉट लगा के लिया है। यहाँ पे हमें इतना बनाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ब्लॉक बनाने के बाद नीचे की तरफ हमें 2 राउंड मैंने फिर से यही नॉट कंटिन्यू करके लिया है, 2 राउंड ये नॉट को। उसके बाद अब हमें इसमें सिंपल नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें दोनों कॉर्ड ये नॉट में से इस तरह से दो दो कॉर्ड लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 कॉर्ड आ जाएगा। तो इन्हें लेके हमें पूरे राउंड में हम सिंपल नॉट लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें नीचे का जो बेस है वो तैयार करना है, पैक करना अभी हमें बैग को। तो इस तरह से पहले सिंपल नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे पूरा 1 राउंड मैंने, ये देखिए, 1 राउंड सिंपल नॉट लगा के यहाँ पे लिया है पूरे राउंड में, ये देखिए। और 1 राउंड फिर से हमें सिंपल नॉट लगाना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2nd राउंड भी कंप्लीट कर लिया है सिंपल नॉट लगा के। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इस तरह से हमें 4 नॉट लेना है। और 4 नॉट में से हमें इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पे अंदर की तरफ से दो कॉर्ड लेके और सिंपल नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में 1 नॉट आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ट्रायंगल बना के ले लिया है। और 4 नॉट के बाद 3 नॉट, 2 नॉट, फिर 1 नॉट, इस तरह से यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना के पूरा किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से टोटल 6 मैंने ट्रायंगल बना के कंप्लीट किया है। ये देखिए 3-3 दोनों तरफ आया है 3-3। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस तरह से 4 कॉर्ड लेके नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, और इस कॉर्ड को छोड़ देंगे। फिर से यहां से 1 कॉर्ड और छोड़ देंगे, ये देखिए, इसे भी छोड़ देंगे। उसके बाद का जो कॉर्ड लेंगे उसका हमें नॉट लगाना है, इसको भी छोड़ देंगे और एकदम टाइटली नॉट लगाएंगे जिससे कि ये पैक हो जाए। ये देखिए इस तरह से। और फिर से इस वाले कॉर्ड को छोड़ना है, इसके बाद का जो कॉर्ड है उसे भी हमें छोड़ना है। ये देखिए, इसको भी छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में जो कॉर्ड आएगा उसे लेके फिर से नॉट लगाना। एकदम टाइट नॉट लगाना है इस तरह से, मतलब साइड के जो इस तरह से ट्रायंगल्स में जो ट्रायंगल बनाया है और उनके बीच में जो गैप है वहां पे हमें नॉट लगा के पहले पैक कर लेना है।
ये देखिए इस तरह से। बाकी यहाँ पे जो इस तरह से ट्रायंगल के बीच में जो जगह है यहाँ पे भी हम तीन तीन नॉट लगा के और इसे पूरा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से थ्री थ्री नॉट लगा के और ये ट्रायंगल के बीच में जो जगह था उसे मैंने पूरा कर लिया है, कंप्लीट किया है। अब यहां से देखिए ये जो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे था, एक नॉट लास्ट में ट्रायंगल बनाने के बाद जो आया था, अब देखिए इसे लेके अब हम आगे नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से टाइटली नॉट लगाएंगे तो इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। एकदम खींच खींच के लगाएंगे। देखिए इसके बाद इस कॉर्ड को छोड़ देना है, उसके बाद का जो कॉर्ड आएगा उसे भी हम छोड़ देंगे। ये देखिए इसे छोड़ देंगे। अब यहां से दूसरा हमें यहां से कॉर्ड लेना है। अब इसे लेके इस तरह से पैक करते जाएंगे, एक एक नॉट लगा लगा के। अब इसे छोड़ देंगे, फिर से यहां से एक कॉर्ड लेंगे, वैसे इस साइड से लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां तक लाके कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब ये जो दो कॉर्ड है इन्हें हमें यहां तक लाना है, तो एक कॉर्ड फिर से ले लेंगे यहां से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम कॉर्ड को एक एक इंच पे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से कॉर्ड को इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पे लाइटर से कॉर्ड को हमें स्टिक कर लेना है। ये फ्रेंड्स, ये हमारा बैग इतना बनके कंप्लीट हो गया। ये देखिए बैक साइड का भी अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया है और अब हम इसमें हैंडल तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वन साइड मैंने यहाँ पे बेल्ट इस तरह से तैयार करके लिया है। ये देखिए अब इस साइड में आपको ये बेल्ट बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए देखिए हमें चाहिए इस तरह से तीन कॉर्ड चाहिए, थ्री कॉर्ड चाहिए। यहाँ पे मेरा एक कॉर्ड 35 इंच का है, एक कॉर्ड 35 इंच का लिया है मैंने। और इसे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ये फोर इस तरह से गैप है, नॉट लगाया हमने वहां पे ही फंसाना है। तो पहले देखिए स्टार्टिंग का ये जो इस तरह से गैप है
इसमें इस तरह से डालेंगे। उसके बाद इसे हमें ये ऊपर वाले गैप में से ये देखिए इस तरह से निकाल के और इसमें से फंसा लेंगे। ये देखिए 35 इंच की मैंने एक कॉर्ड ली है, वन पीस 35 इंच की। अब देखिए दूसरा भी इसमें फंसाएंगे, यहीं से लेना है हमें, बाकी साइड साइड से निकालना है। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से जिससे यहाँ पे मैंने कॉर्ड फंसाया है वैसे ही यहाँ पे भी मैंने तीन कॉर्ड फंसा लिया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है हमें, अब यहाँ पे बीच में हमें फोर कॉर्ड छोड़ना है और साइड से एक एक कॉर्ड लेके पहले सिंपल नॉट लगा लेंगे। दो सिंपल नॉट लगाना है, टाइटली लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से दो सिंपल नॉट तैयार कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो नॉट सिंपल लगाने के बाद अब ये देखिए इस कॉर्ड को हमें उठाना है और इस तरह से इसे इस पे हम रैप करते जाएंगे, एकदम टाइटली रैप करना है इस पे। देखिए इस तरह से टर्न करते जाएंगे तो यहाँ पे ये जो शेप यहाँ पे आया है ये देखिए हैंडल का ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसे इस तरह से रैप करते लाई हूँ, इतना हमारा ये पूरा 4 इंच तक मैंने रेड कॉर्ड से यहाँ तक मैंने रैप किया है 4 इंच तक। उसके बाद दूसरा कॉर्ड लगा दिया है, अब इसे भी हमें इसी तरह से रैप करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हैंडल बना के कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ पे मैंने ये हैंडल की पूरी लंबाई मैंने 12 इंच की रखी है, 12 इंच की मैंने यहाँ पे रखी है। देखिए 4-4 इंच पे मैंने ये इतना कॉर्ड को रैप करके लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में दो नॉट लगाया था वैसे ही अब यहाँ पे फिर से हमें दो नॉट लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे दो नॉट लगाने के बाद अब फिर से हमें यहाँ पे कॉर्ड को यहाँ से इस तरफ निकालेंगे, अंदर की तरफ ले जाना है। तो इसमें से पहले दो कॉर्ड लेंगे और ये देखिए यहाँ से पीछे की तरफ ले जाना है। ये देखिए इस तरफ ले लिया है। उसके बाद अब इन्हें लेके हमें सिंपल नॉट एक लगा लेना है। एकदम टाइट लगाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉर्ड को कट कर लेना है। अब देखिए इसे हमें
अंदर ही स्टिक कर लेना है लाइटर से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसका इनर बनाया मैंने, अब इसमें हम इनर सेट करेंगे। अब देखिए इसको अब हमें पकड़ पकड़ के सीना है, तो यहां से इस तरह से ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनर मैंने इस तरह से अंदर पूरा चारों तरफ से सिल के यहाँ पे सेट कर लिया है, और ये हमारा बैग इस तरह से बनके तैयार हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे जरूर प्रेस करिएगा, मेरे माइक्रम के इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।